नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक, मेरे साथ हैं आदित्य। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। उत्तर भारत में शीतलहर जारी है, वहीं घाटी में हो रही बर्फबारी की वजह से लोग कड़ाके की ठंड झेलने को मजबूर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 15 जनवरी को सीजन का सबसे सर्द दिन रह सकता है। उधर जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कश्मीर में बर्फ में जम गई जिंदगी। शिमला की बर्फ से बेबस जिंदगी। कहीं जम गई झील, कहीं ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, तो बर्फीली हवाओं से मैदानी इलाकों में हड्डियों को गलाने वाली ठंड पड़ रही है। शिमला में आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि पूरा शहर सफेद बर्फ की चादर से ढक गया है। बर्फीली वादियों के लिए मशहूर वादी अब बर्फ से घायल है। आसमान से हुई बर्फीली बारिश ने लोगों की जिंदगी को जाम कर दिया है। लगातार बर्फबारी की वजह से श्रीनगर में बीती रात तापमान -6.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। ठंड की वजह से श्रीनगर में नदी नाले का पानी भी जमने लगा है, मशहूर डल झील भी जम गई है। देख सकते हैं, इस वक्त में झील डल में हूँ और ये झील डल का बाहरी हिस्सा है जिसपे परत पूरी तरह से जम गई है। पूरा शीशा शीशा दिख रहा है ये झील डल। लेह में भी सीजन का सबसे कम तापमान -14 डिग्री दर्ज किया गया। कश्मीर में इस सीजन में 5 से 7 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है। इस बर्फबारी के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ठंड है, बहुत मुश्किल हो रही है, यहाँ आने जाने के लिए बहुत मुश्किल है और बहुत ज़्यादा ठंड है और मुश्किल भी बहुत बढ़ रही है हमारी। ना कि आप देख सकते हैं कि जो वाटर स्टोरेज है वो भी लग चुके हैं, सब कुछ लग चुका है ना। बिजली का इंतजाम आप देखिए, वो भी कुछ भी नहीं है। बर्फबारी के बाद शिमला में हालात अब तक नहीं सुधरे हैं। ज्यादातर इलाकों में बिजली के तार टूट चुके हैं। इतना ही नहीं, एटीएम भी बंद पड़े हैं। भारी बर्फबारी की वजह से ज्यादातर रास्ते जाम हैं। बर्फबारी की वजह से शिमला हो या डलहौजी, मनाली हो या गुलमर्ग, हर बाजार में वीराना है। इक्के दुक्के लोग ही दिखाई देते हैं। बर्फबारी की वजह से बाजार में बर्फीले कर्फ्यू जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटों में घाटी का तापमान और गिर सकता है। ऐसे में उत्तर भारत को ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीज फायर वायलेशन पर पाकिस्तान को सख्त वार्निंग दी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने साफ साफ कहा है कि अगर सीज फायर उल्लंघन में कमी नहीं आई तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। But if that offer of peace and tranquility is not reciprocated in an appropriate manner or the manner in which we are offering that offer, then this method of execution of operation. उन्होंने कहा कि सेना के मुख्यालयों और बाकी कमांड ऑफिस में शिकायत पेटी लगी हुई है और जिसे भी किसी तरह की शिकायत है वो मुझे सीधे कह सकता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में जाने के बजाय वो सीधे उनसे शिकायत करें। Anyone, irrespective of rank, service, can use these mechanisms for putting in whatever they wish to write into these letter boxes so that the grievances be directly to me and through me these can be addressed. आर्मी चीफ ने जवानों को इस बात का भरोसा दिलाया कि शिकायत दर्ज कराने वाले जवान का नाम गुप्त रखा जाएगा। A soldier is a soldier. If he addresses his grievances directly, penning his name down on that, we will ensure that the identity of his name is not disclosed because these will come in sealed envelopes into these boxes and directly to me in my office. आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों के दौरान बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और सेना के जवानों ने सोशल मीडिया पर खाने और उनको मिलने वाली सुविधाओं पर अपना दर्द बयां किया था।
बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने खराब खाना मिलने के दर्द को फेसबुक पर शेयर किया था। कांस्टेबल जीत सिंह ने सीआरपीएफ में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड किया था। एसएसबी के एक जवान ने गंभीर आरोप लगाया कि उससे अफसरों के घरेलू काम करवाए जाते हैं। देहरादून में 42 इन्फेंट्री ब्रिगेड में तैनात लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने अफसरों पर शोषण के आरोप लगाए। आर्मी चीफ ने जवानों को आश्वासन दिया कि वो लेटर बॉक्स में आई शिकायतों को खुद देखेंगे। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावेदारी की जंग पर फैसला चुनाव आयोग ने सुरक्षित रखा है। चुनाव आयोग में मुलायम और अखिलेश ने अपना अपना पक्ष रखा। करीब 5.5 घंटे की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा गया कि रामगोपाल यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया था, इसलिए रामगोपाल ने जिस पार्टी अधिवेशन का बुलावा दिया वो अवैध था और मुलायम सिंह ही पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप लोगों ने कुछ भी नहीं, हम दोनों पार्टी को सुना गया, कोर्ट ने कहा हम न्याय करेंगे, क्या आप लोगों ने और ऑर्डर रिजर्व कर लिया, दैट्स ऑल। अब वो क्लेम कर रहे हैं तो वो सिचुएशन तो आए पहले स्प्लिट की, कोर्ट तो डिसाइड करे कि ये स्प्लिट है। इससे पहले अखिलेश गुट ने पार्टी के सिंबल पर अपना हक जताया। रामगोपाल यादव ने दावा किया कि पार्टी के 50% से ज्यादा सदस्यों ने अधिवेशन बुलाकर अखिलेश को पार्टी का अध्यक्ष चुना है। चुनाव आयोग में अखिलेश की ओर से पक्ष कपिल सिब्बल ने रखा। मुलायम सिंह जी के वकील ने अपना पक्ष रखा कि ये सिंबल उनको मिलना चाहिए। लगभग 5-5.5 घंटा बहस हुई थी और बहस के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। जिस तरह से कोर्ट में सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं वैसे ही चुनाव आयोग में सुनवाई हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी और चुनाव आयुक्त रावत सामने बैठे थे। नसीम जैदी के सामने बाईं तरफ मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और उनके वकीलों की टीम थी। नसीम जैदी की दाईं तरफ अखिलेश खेमे से रामगोपाल यादव, सुरेंद्र नागर और उनके वकीलों की टीम थी। अखिलेश यादव कल अपने प्रत्याशियों की पहली औपचारिक लिस्ट जारी कर सकते हैं। केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के कैलेंडर और डायरी पर हुए विवाद पर कलराज मिश्र ने सफाई दी। केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के कैलेंडर में महात्मा गांधी की जगह पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर से विवाद खड़ा हो गया है। ये केवीआईसी जो है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, वो बिल्कुल नाकामयाब रहा है। कामयाब रहा हो तो सिर्फ खादी को लाचार बनाने में कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें तो वैसे ही सब जगह है, तो फिर खादी ग्रामोद्योग के कैलेंडर्स को क्यों छोड़ना। पूरे विवाद पर केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सफाई दी है। कैलेंडर का 12 महीने का है, एक एक पेज है, एक पेज पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चरखा चलाते हुए गांधी जी का स्थान कोई नहीं ले सकता है। गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, और गांधी जी जिन्होंने विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश दिया, तो गांधी जी का स्थान कोई नहीं ले सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि केवीआईसी की डायरी और कैलेंडर पर पीएम के फोटो का जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो गैर जरूरी है। यहाँ पर हमारे पास खादी ग्रामोद्योग का साल 2017 का वो कैलेंडर है जिसके कवर पेज पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी चरखा चलाते हुए, ठीक उसी अंदाज में जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चरखा चलाते थे और उनकी तस्वीर हम देखा करते थे। उसके ठीक बगल में यहाँ पर हमारे पास खादी ग्रामोद्योग का साल 2016 का कैलेंडर है, यानी उससे एक साल पुराना। इसके कवर पेज पर ना आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी और ना ही महात्मा गांधी की। साल 2016 के कैलेंडर और डायरी में महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगी थी। सूत्रों के मुताबिक साल 2013, 2012, 2011, 2005, 2002 और 1996 के कैलेंडर और डायरी पर भी गांधी जी की तस्वीर नहीं थी। साल 2014 और 15 की डायरियों पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी थी। सूत्रों के मुताबिक केवीआईसी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कैलेंडर और डायरी पर महात्मा गांधी की तस्वीर ही लगाई जाएगी।
पीएमओ की ओर से जारी बयान में इस पूरे मामले को गैर जरूरी बताया गया है। 14 जनवरी को कोलकाता में होने वाली आरएसएस की रैली को लेकर ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लगा है। आरएसएस की रैली को कलकत्ता हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत कल रैली को संबोधित करेंगे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कल मोहन भागवत की रैली होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि मोहन भागवत की रैली को मंजूरी दी जाए। पहले कोलकाता पुलिस ने आरएसएस की रैली को इजाजत नहीं दी थी। कोलकाता पुलिस के खिलाफ आरएसएस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी। Since we have got the matter, we have got the judgment in our favor, we are very much satisfied. We don't want to make any more controversies about it and we are going to proceed with the Mohan Bhagwaji's karyakram. 14 जनवरी को हिंदू सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मुख्य वक्ता के तौर पर बोलना। कोलकाता पुलिस के मुताबिक दूसरे कार्यक्रम की तैयारियों के चलते इजाजत नहीं मिल सकती। ब्रिगेड ग्राउंड जहां रैली है वो सीधे रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। रैली के लिए आरएसएस 10 जनवरी को सेना के बंगाल एरिया हेडक्वार्टर से एनओसी ले चुका है। दिल्ली में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की हड़ताल का आज 8वां दिन है। हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में आज तीनों एनसीडी के मेयर और बीजेपी के नेता सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के घर पर एनसीडी के मेयर और तमाम नेता पहुंचे हैं। जो एनसीडी का बकाया है वो मांगने के लिए तमाम लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। हमारी यही डिमांड है, जो दो दिन पहले इन्होंने बयान दिए, निगम को बदतमीज, निगम को चोर, निगम को निगम का पैसा, निगम के जो पार्षद है चटका गए, पहले अपनी गिरबान झाके, जो हमारा पैसा हमें हमारा फंड दे, उस फंड के लिए हम उनके घर में सुबह सुबह आए हैं। जो पैसा कानून के अधिकार से बनता है वो पैसा जो थर्ड वित्तायोग तय कर गया था वो भी नहीं दे रहे और चतुर्थ वित्तायोग की पेमेंट जो तय कर रही है वो दे नहीं रहे। सफाई कर्मचारी चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि सिर्फ वेतन से बात नहीं बनने वाली, सारे बकाए भी मिलने चाहिए। कोयला घोटाले में आज सीबीआई ने फाइनल जांच रिपोर्ट कोर्ट में दायर की। मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल मुख्य आरोपी हैं। उनके साथ पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव भी आरोपी हैं। कोर्ट ने जांच अधिकारी से कहा कि वो 23 जनवरी तक सही फॉर्मेट में जांच रिपोर्ट दायर करें। आज दायर की गई रिपोर्ट में गवाहों की लिस्ट और उनके बयान और सीएफएसएल की रिपोर्ट शामिल है। नवीन जिंदल पर आरोप है कि उन्होंने कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए सरकार को झूठी जानकारियां दी। जिंदल की कंपनी जीएसपीएल और गगन स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड को 2008 में अमरकोंडा मुर्गा दंगल ब्लॉक मिला था। नवीन जिंदल पर गलत तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर कोल ब्लॉक हासिल करने का आरोप लगा। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जिंदल पर आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश और 420 धोखाधड़ी के आरोप तय किए थे। 29 अप्रैल 2015 को सीबीआई ने नवीन जिंदल समेत 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 29 अप्रैल 2016 को 10 लोगों और 5 कंपनियों पर आरोप तय किए थे। कोल ब्लॉक का ये मामला झारखंड के अमरकोंडा मुर्गा दंगल नवीन जिंदल की कंपनियों को कोल ब्लॉक आवंटन करने से जुड़ा है। जलीकट्टू के खेल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के विरोध में डीएमके ने आज तमिलनाडु में प्रदर्शन किया। तमिलनाडु में पोंगल पर इस साल भी जलीकट्टू के खेल पर रोक जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार से पहले जलीकट्टू पर फैसला देने की अर्जी को ठुकरा दिया। इसे लेकर तमिलनाडु में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। राज्य की विपक्षी पार्टी डीएमके ने जलीकट्टू पर बैन के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। प्रदर्शन के दौरान लोग बैल लेकर पहुंचे, जिनकी पुलिस से भी झड़प हुई। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए और फैसले का शांतिपूर्वक इंतजार करना चाहिए। जलीकट्टू में सिर्फ मनुष्य को चोट लगती है। यदि ये सरकार वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के अवमानने में वो रोकेगी नहीं, उस जलीकट्टू को होने देगी, उसमें कोई प्रयास नहीं करी रोकेंगे, तो फिर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसमिस करना चाहिए।
जलीकट्टू का आयोजन पोंगल के दौरान यानी जनवरी महीने में होता है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू पर पाबंदी लगाई थी। बाद में केंद्र ने 2011 के एक नोटिफिकेशन में फेरबदल कर जलीकट्टू को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई और केंद्र को नोटिस दिया। 2010 से 2014 के दौरान जलीकट्टू के कारण 17 लोगों की जान गई, जबकि 1100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। डीएमके के इस प्रदर्शन में पार्टी के अध्यक्ष एमके स्टालिन और कनिमोई भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती रात करीब 2 बजे पीएनबी और विजया बैंक की ब्रांच में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की 18 गाड़ियां भेजी गई हैं, जिसने आग पर लगभग काबू पा लिया है। श्रीनगर के लाल चौक के पास कोर्ट रोड इलाके में बैंक में आग लगी थी। बैंकों के साथ आग की चपेट में एक पोस्ट ऑफिस और कुछ दुकानें भी आ गई। रात को हमें कॉल आई थी 2:30 बजे, तो हमने उसी वक्त टर्न आउट किया, तो हमारी तकरीबन 18 गाड़ियां ये इस वक्त काम पर चल रही है, ऑपरेशन में है। लोगों का आरोप है कि आग लगने के तुरंत बाद पास के पावर ग्रिड में बिजली काटने के लिए फोन किया गया, लेकिन 1.5 घंटे तक बिजली नहीं काटी गई, इससे आग चारों तरफ फैल गई। जो हमारा कंसर्न टीआरसी का यहाँ ये है ग्रिड स्टेशन, वहाँ पे हमने फोन किया, उन्होंने पावर काटा ही नहीं 1.5 घंटे तक, जिसकी वजह से यहाँ के दुकानों के ऊपर से एचटीसी जा रही है। तो जो फायर सर्विस के जितने भी अहलकार थे, उन्होंने नीचे से आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटे तक पावर नहीं काटी गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आग लगने के पीछे किसी साजिश की आशंका से भी पुलिस इनकार नहीं कर रही। फास्ट एंड फैक्ट्स में आज के लिए इतना ही।